और चतुर्मोता साहब ने टाटा एलेक्सी की तेजी अच्छी तरह से पकड़वाई थी। आज सुबह भी मेरे ख्याल से मेंशन कर रहा था कि वैसे होल्ड करके चलना है, फ्रेश टारगेट्स मेरे ख्याल से मेंशन भी करे थे। तो चतुर्मोता साहब पहले वो टाटा एलेक्सी, अब क्या करना है, कितना और दमखम नजर आता है, और उसके साथ साथ इस समय आप लोग मार्केट्स को पहले बताएं कैसे अप्रोच कर रहे हो। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो बिल्कुल देखिए, टाटा एलेक्सी पे हमने 7500 के लक्ष्य की बात की, और अभी जो हाई बना है 7496 इस समय ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जो आज के टारगेट्स है वो हिट हो चुके हैं। हालांकि मैंने पहले भी कई बार कहा, और 1200 रुपए से मैं स्टॉक की आपके चैनल पे लगातार चर्चा करते हुए आ रहा हूँ, कि जो न्यू एज हम बात कर रहे हैं, केस की कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस थीम को प्ले करने के लिए टाटा एलेक्सी, केपीआईटी जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय तक बने रहना चाहिए। और टाटा एलेक्सी बीइंग अ टाटा कंपनी, एक अच्छी पेडिग्री, अच्छे पैरेंटेज की कंपनी है, और जब इतना बढ़िया सेक्टर में ग्रोथ है तो इसको राइड कीजिए। ट्रेडिंग के हिसाब से 7500 के लक्ष्य थे, बट हमने हमारे इन्वेस्टर्स को यही रिकमेंडेशन दी कि इसको आने वाले समय के लिए होल्ड कीजिए। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, स्टॉक आपको 5 डिजिट में यानी कि 10,000 के भाव आने वाले कुछ महीनों में क्रॉस करता हुआ नजर आए, तो उसके लिए रख सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहे तो इन लेवल्स पर ली जा सकती है।